जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जिस किताब के किस्त नंबर 1 का रिव्यू करने जा रहा हूँ, उस किताब का नाम है औलिया इकराम। ये इसके जो राइटर हैं वो हैं शाह नज़ीर चौधरी साहब। तो इस किताब को रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री आपको मिलती है। अगर आपने इस्लामिक हिस्ट्री और के बारे में अपडेट रहना है लम्हा बा लम्हा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन करें, ताकि आपके पास जितने भी इस्लामिक से रेलिवेंट अपडेट्स हैं वो और जो पहले हो चुकी हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो और शेयर कर वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कुछ किताबों का जो रिव्यू है वो भी मैं आपको देती हूँ। मोहब्बत अधूरी सी, यानी कि ये जो आशिक हैं उनके बारे में ये किताब है। मोहब्बत अधूरी सी, जो चले तो जान से गुजर जाएगी, जो चले तो जान से गुजर जाएगी। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत है। मोहम्मद शाह, मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी साहब की ये किताब है। उसके बाद भीगी पलकों पर, भीगी भीगी पलकों पर, वो अभी गाने की टोन जा रही है। मैं इसको मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप खुद इस किताब को पढ़ लें जरा। इसके बाद शानो, ये परवेज़ बलगरामी की किताब है। उड़ान, उड़ान यानी कि जो आप ख्वाब देख रहे हैं तो उसको किस तरह तबीर ख्वाबों की है और उन पर अमल किस तरह करना, तो ये उड़ान प्रोफेसर मोहम्मद यासिन साहब ने लिखी है। उसके बाद है धूप के पिघलने तक, यानी धूप के पिघलने तक। उसके बाद है जहन्नुम के उस पार, यानी कि जो जहन्नुम है उसके बारे में ये किताब लिखी गई है कि जो जहन्नुम है उसके पार किस तरह की ज़िंदगी है, यानी अजाब वाली तो ज़िंदगी है लेकिन वो किस तरह की होगी, उधर कितने को किस तरह के अजाब दिए जाएंगे, उसके बारे में ये किताब लिखी गई है। और ये कुछ किताबें हैं जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ 12 से 13 किताबें हैं, इनको आप पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मुझे भी दुआ में याद रखेंगे, इनसे बहुत कुछ आपको सीखने के मिलेगा। ये स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं, ये इस किताब का रिव्यू मैं करने जा रहा हूँ।